नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉबलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है जी, पूरी की पूरी अपडेट शेयर करेंगे, कोई भी स्किप ना करें। नई सरकारी भर्ती हरियाणा की तरफ से आ चुकी है, आपके घर में ही जॉब होगी। इसमें रिक्वायरमेंट है जी, एक तो 12वीं पास होना कैंडिडेट जरूरी है, और सबसे बात की बात है, दूसरी बात है कंप्यूटर की नॉलेज होनी, बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। कोई पेपर नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, घर में ही आपके रहेगी ड्यूटी। हरियाणा वालों के लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, मौका कह सकते हैं, बहुत बड़ा है। पूरी की पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। कैसे अप्लाई करना वो भी बताएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर देख सकते हो, नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। इच्छुक उम्मीदवार सरल हरियाणा से नए डिपो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। आप हरियाणा में कहीं पर भी हो, अगर आप हमसे आवेदन करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हो। आपका घर बैठे हम फॉर्म अप्लाई करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं मांगी हुई है, सबसे पहले ट्रिपल पी जरूर चाहिए होगी, वो भी आपको प्रोसेस बताएंगे, पूरी बने रहिएगा वीडियो पर। 12वीं पास जरूरी चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज मांगी है जी, ज्ञान होना चाहिए, यानी कि बेसिक होना चाहिए। सर्टिफिकेट हो ना हो मतलब मैटर नहीं है, बट 12वीं कम से कम होनी जरूरी है, और उम्र 21 से 45 साल होनी जरूरी है, और 8 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। आज 2 अगस्त हो चुकी है, 6 दिन शेष हैं जी। और यहाँ पर जैसे आपको बताएं कैसे आवेदन करना है, तो इस पर सरल पर करना है। सरल जैसे खोलोगे, अप्लाई पर आया, अप्लाई में अप्लाई पर क्लिक किया, सर्विसेज पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक सर्च ऑप्शन दिख रहा है जी, यहाँ पर, ठीक है। सर्च ऑप्शन में आपने एक सर्च करना है फेयर, आर फेयर किया। यहाँ पर आपको एक फूड सप्लाई की तरफ से यहाँ पर फेयर का लाइसेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, दिख रहा है जी, हाईलाइट किया हुआ ये वाला ऑप्शन, फेयर लाइसेंस, फेयर शॉप प्राइस शॉप लाइसेंस, यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक करना है इससे पहले, ठीक है। यहाँ पर पूरी डिटेल पढ़ सकते हो, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है भी आपके वार्ड में या विलेज में सीट होनी जरूरी है, क्योंकि जो भी आप जिसके लिए अप्लाई करोगे उस वार्ड में होना चाहिए, यानी आप रहते हो उसमें, क्योंकि डाटा जो फेच करेगा आपकी फैमिली आईडी से करेगा। और ये देख सकते हो, एप्लीकेंट शुड बी ए रेजिडेंस ऑफ लोकेलिटी फॉर विच द फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस इज अप्लाइड फॉर, ठीक है। जिसके लिए अप्लाई करना है वहाँ का बंदा वसनीक होना जरूरी है, और एज मांगी है जी 21 से 45 साल। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर फेयर शॉप की वैकेंसी लिस्ट आ जाती है, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे सभी की अलग अलग, अंबाला, भिवानी, जींद की टोटल पहले तो पोस्टें बता देगा, जैसे सिरसा की 171 पोस्टें हैं वुमेन की, और 43 हैं जनरल की, टोटल में 176 सिरसा की है। इसी तरह सभी अलग अलग की अलग अलग ब्लॉक वाइज पूरी की पूरी लिस्ट दिखा देगा, ठीक है। यानी कि आपको पूरी की लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट में 3234 फेयर शॉप के लाइसेंस इशू होने हैं, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर जैसे ही फैमिली आईडी ऐड करोगे, उसके साथ ही जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर एक फैमिली आईडी आपको ऐड करके दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर फेच किया डाटा, फेच करते ही यहाँ पर नेम सेलेक्ट किया, OTP आया, ठीक है। और OTP आते ही, OTP आपने जैसे ही फिल करोगे ना, तो OTP के साथ की साथ बता देगा भी आपकी लोकेलिटी में कोई आपके डिपो लाइक है या नहीं है, यानी कि कोई पोस्ट खाली है या नहीं है, क्योंकि कहीं पर वुमेन की है, कहीं पर लोकल की है। तो यहाँ पर जैसे ही OTP के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हो, नोट अवेलेबल इन योर विलेज और वार्ड, कोई भी पोस्ट आपके वार्ड और विलेज में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आपके वार्ड में अवेलेबल होगी तो आपको शो सारा डाटा यहाँ पर दिखा देगा भी हाँ अवेलेबल है, सीट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर सारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, बट यहाँ पर फॉर्म इसलिए नहीं ओपन हो रहा क्योंकि वैकेंट सीट ही नहीं है कोई, जहाँ पर ये वार्ड है हमारा, तो यहाँ पर कोई वैकेंट सीट ना होने की वजह से ये ओपन नहीं हुआ। अगर आपके वैकेंट सीट होगी तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, और फॉर्म फिलअप करके आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें से शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट्स, तो
तो उसके बाद आपको अगर आपके सिलेक्टेड होते हो तो आपका आपके मैं जो नंबर दिया होगा उस नंबर पर आपको मैसेज प्राप्त हो जाएगा, मेल जो दी होगी उस पर मेल आपको रसीव हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरह आप अप्लाई कर सकते हो 8 अगस्त तक। 8 अगस्त के बाद अमान्य रहेगा, तो 8 से पहले पहले अप्लाई कर लीजिएगा। अगर किसी ने अप्लाई करवाना भी हो तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।